हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जो कि है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो उसको। ये है कैलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स। तो चलिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स और मैंने यहाँ पे लिया है दूध। तो 1 कप मैंने दूध लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैटल ले लिया है, तो कैटल का स्विच अभी मेरा ऑफ है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इस पर दूध। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है कैलॉग्स का जो पैकेट है वो 10 रुपये का पैकेट है। 10 रुपये का पैकेट लिया है मैंने, तो मैं अकेले मेरे लिए बनाने जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने 10 रुपये का पैकेट लिया है। आप अगर 2-3 जन के लिए बनाना चाहते हो तो आप बड़ा सा पैकेट भी ले सकते हो। तो अभी कैटल का स्विच ऑन कर देंगे। दूध को हम बॉयल करेंगे तो हल्का सा इसको उबालेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि नीचे से जल सकता है दूध, नीचे से बहुत जल्दी जल सकता है, तो इसलिए हम हल्का गर्म करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है कैटल। दूध जो है गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो हल्का सा ऐसे करके इसको हिला देंगे, नहीं तो क्या है नीचे से जल सकता है। बहुत ही हल्का गर्म करना है हमको, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पे दूध से आप धुआं निकालना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो दूध हमारा गर्म हो गया है, अभी हम कैटल का स्विच ऑफ कर देंगे। ज़्यादा गर्म हमको नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये बहुत ही गर्म हो गया है क्योंकि इससे धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। और नीचे अगर ज़्यादा अगर बॉयल कर लेंगे आप तो क्या होगा, दूध नीचे जल सकता है क्योंकि हम कैटल में बना रहे, इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा। आप देख सकते हो धुआं निकल रहा है इससे, तो इसका मतलब ये गर्म हो चुका है। तो दूध को अभी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो दूध पूरा गर्म हो चुका है, इससे धुआं निकल रहा है। बहुत ही 1 मिनट के अंदर ही गर्म हो जाता है, बहुत ही कम समय में गर्म हो जाता है। अब ज़्यादा गर्म करोगे इसको, ज़्यादा उबालोगे तो क्या होगा, नीचे से जल जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने दूध को निकाल लिया है, अभी हम इस पर कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया है, अभी हम इसको मिला देंगे। आप चाहो तो आप चीनी डाल सकते हो, मुझे चीनी पसंद नहीं है तो मैं इसलिए चीनी नहीं डालूँगा। और चीनी के बदले आप शहद भी डाल सकते हो, हनी हनी भी हेल्दी होता है, तो आप चीनी की जगह हनी डाल सकते हो। और कुछ कुछ लोग इस पर फ्रूट्स भी डालते हैं तो आप फ्रूट्स भी डाल के खा सकते हो। तो मैं ऐसे ही खाऊँगा इसको और चीनी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। तो बहुत ही जल्दी हमारा ये बन के तैयार हो गया है। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसा लगता है। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।